अधिकारी कोई एक ने कहा मुझे, भाई सर क्या बात कर रहे हो आप, वो इतना मुस्कुराना, मैंने कहा इतना दांत थोड़ी दिखाना है, मैंने कहा किसने बोला आपको दांत दिखाने के लिए, ये YouTube में जो जा रहा है ना कई लोग देख रहे हैं, उन्होंने कहा इतना मुस्कुराना हम 24 घंटे थोड़ी मुस्कुरा सकते, मैंने कहा मैं थोड़ी कह रहा हूँ मुस्कुराने के लिए, वो तो बाबा बोल रहे हैं, बाबा ने कभी मुरली में कहा कभी कभी मुस्कुराना, सदा शब्द सदा लगा, मुस्कुराना माना दांत नहीं दिखनी चाहिए, ब्रह्मा बाबा जैसे मम्मा जैसे, दांत दिखे ही हंसी आ गई वो हंसना हो गया, और हंसना गलत बात नहीं है, बहुत जोर से हंसना वो रावण की बात है, लेकिन हंसना भी गलत बात नहीं है, लेकिन हंसना तो कितना हंसना चाहिए, 30 सेकंड से ज्यादा हंस नहीं सकते हो, लेकिन मुस्कुराहट 24 घंटा कितना, 24 घंटा मेरा तो 24 घंटा ही मुस्कुराहट रहती है भाई साहब, आपको पता है, एक माता जी कहती है हाँ जरूर हो सकता है अगर आपकी आदत है तो सोते समय भी देखना चाहिए, ऐसे सोते प्रैक्टिकल में देखा है विष्णु का यादगार सांप के ऊपर सोया है, उसको सांप के ऊपर सोने की क्या जरूरत है, लेकिन कलयुग की दुनिया में इतना दुख इतना शांति इतना स्वार्थ भाव होते हुए भी वो आत्मा मुस्कुरा सकती है, अर्थात वो विष्णु का जैसा, इस जहर की दुनिया में अंधकार दुनिया में आप शांत स्वरूप बन जाए, सुख स्वरूप बन जाए, जो हो रहा है सभी बोलो माता जी बड़ा तेज बोलो, अच्छा हो रहा है, अभी देखो कोई कोई बोल नहीं रहे, वो जो नहीं बोलता ना उसकी पर नजर पड़ जाती है, जो हो रहा है आपके के अंदर से अच्छा हो रहा है, जो हो गया जो होने वाला है, तो भाई ने जैसे देखा ना मैं नीचे गिरा हुआ हूँ चोट लगी है, मैं कह रहा हूँ बढ़िया, तो कह रहा अच्छा था कि रमेश भाई कैसे थे, पहले से रमेश भाई क्या हो गया, मैंने कहा बढ़िया, तो उसकी स्थिति बदल गई, जो इससे करो तो वो के अभी के कैसे कर अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो उसको तो अच्छा लगता है, तो उसका बदल गया, हमें दूसरों को बदलने की प्रक्रिया करना है ना कि उसके अंदर दर्द को प्रकट करना है, दुनिया का स्लोगन बन गया है दुखी में दुखी होना जरूरी है, ये कलयुग की परंपरा है, हाँ या ना, दुखी में बाबा ने कहा दुखी में दुखी हो जाओ, आपके घर में भी अंधेरा है और मेरे घर में भी अंधेरा है, और उसके घर में उजाला था तो उसने भी अंधेरा स्विच ऑफ कर दिया, तो चारों तरफ अंधेरा गया, अरे मेरे घर में उजाला है थोड़ा सा करंट लेके तुम भी चलो कर लो, आया ना, आज सभी के जीवन में दुखी अशांति, दुखी अशांत की भी एक शक्ति होती है वो भी फैली हुई है, लेकिन हमें सुख की रोशनी शांति की रोशनी फैलानी है, तो जब भी मुझे किसी भी प्रकार के नुकसान चोट ग्लानी अपमान निंदा कोई भी बात होती है तुरंत मैं उसको बदलता हूं, वो कहता हूं एक बहुत अच्छा शब्द आप सीखेंगे सीखेंगे देखना इसके बाद बहुत फायदा होने वाला है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देखो अच्छा हो रहा है कितना अच्छा हो गया, छह अच्छा हो रहा है ना, छह अच्छा हो गया, इसको आधा कर देते हैं ताकि बोलने में सहज रहेगा, ठीक है आधी बोलो, बढ़िया बोलो, ये बढ़िया कौन नहीं यूज करता, सभी यूज करते हैं, लेकिन उसको किस ढंग से यूज करना है, देखो मंत्र शक्ति आप देखेंगे मंत्र शक्ति बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन जब तांत्रिक को यूज करता है समझ लो उसका मंत्र का ये उच्चारण है वम हिम क्लिक पट स्वाहा, तो सामने वाला व्यक्ति जो होगा ना बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसने सिद्धियां प्राप्त की हुई है, और वही मंत्र शक्ति अगर मैं करूंगा या आप करेंगे होगा, क्योंकि वो एनर्जी मेरे जो अंतर मन है
वो क्रिएट नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको हमने संस्कार नहीं बनाया। तो हर एक मंत्र में एक स्टाइल होता है, एक धुन होती है, एक रंग होता है। जैसे हमने कल गाना गाया था ना, कौन सा ऐसे गाया था, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, ऐसे गाया था, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मैं ये कहना चाहता हूँ उसको जब ट्यून बनाया गया तो उसका रंग रस स्वरूप आनंद आने लगा। तो बढ़िया को भी हम उसी ढंग से बोलेंगे तो देखना जीवन में ये जो शरीर के नस नस में जीव से है ना, वो भी आनंदित होने लगेगा। आप अगर आनंदित होगे तो आपकी वाइब्रेशन भी आनंदित होगा, आपके आसपास पड़ोसी प्रकृति पूरे विश्व सृष्टि ब्रह्मांड बदलने लगेगी। तैयार हो? पहले बड़े ध्यान से सुनना फिर बोलना। लंबा हाँ बोलो, बहुत अच्छा, पास हो गया एक ही बार में। अभी हाँ एक्शन करके थोड़ा बोलेंगे तो ज्यादा ही एक्शन होगा। बढ़िया थोड़ी सी वॉल्यूम बड़ा पता है हाँ, बढ़िया। अब देखो जब हम मैं खुद गया था संगीत सीखने के लिए, 6-7 साल लगातार मैंने सीखा सारे का मापा क्या होता है। तो पहले हमारे जो टीचर थी माता जी थी, तो उन्होंने हमें सिखाया बेटा सा लगे कर लो, सा ऐसे करके बैठ रहा। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोला पहले इससे आपके सुर लगेगी फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। तो ये जो हमने थोड़ी सी लंबा की ना, ये बढ़िया की एनर्जी तीव्रता क्रिएट करेगा। अब करके देखो सिर्फ कैसे आओ बढ़िया ये तो बोल लेते हैं, लेकिन अभी जो इस स्टाइल से बोलेंगे ना, और जब आप नेचुरल बात करेंगे ऐसे नहीं लंबा बोलेंगे बढ़िया, ये सिर्फ ट्रेनिंग में बोलेंगे, उसके बाद शॉर्टकट बोलेंगे कैसे बढ़िया, ठीक है। वो रंग जो उसमें भरेगा शब्दों में वाणी में आपको देखना देखना मजा आएगा। तैयार हो? बढ़िया छोड़ा करो ना थोड़ा, बढ़िया चोट लग गई, अभी मैं बोलता जाऊँ आप बोलते जाओ, चोट लग गई सभी करो ना इसे, हाँ चोट लग गई, किसने गाली दे दिया, किसने अपमान कर दिया, ब्रह्मा भजन मिला नहीं, बहुत सेवा क्या टोली नहीं मिली, कुत्ते पीछे पड़ गए, बस में 10,000 रुपया था चोरी हो गई, रास्ते में जा रहे थे नाले खड्डे में गिर गए, तो ये सब नहीं कर रही, ये तो रिएक्शन होगा नहीं, बोलो सुनो बोलो बढ़िया। ये क्या हो रहा है? आपको एक प्रकार की ट्रेनिंग जब आप यहाँ करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं बता दूं लाखों, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, कितने लाखों भाई बहने बीके भाई बहने इस अभ्यास को कर चुके हैं। आपने पिछले बार भी काफी भाई बहने अनुभव किए हैं और अभी और थोड़ा पक्का कर लीजिए। देखो दादी जी ने हमें इतने प्यार से बोला ऐसे सही करो, फिर देखना इतना आनंद आने वाला है। मैं ये क्यों करा रहा हूँ? आपकी एनर्जी में वो दिव्यता आनंद में शक्ति भर जाएगा जो आपकी फरिश्ता स्वरूप बनने के तैयार होता है। जब आप सब्जी बनाते हो क्या बनाते हो? सब्जी। क्या बनाते हो? सब्जी। सभी बोलो बनाता है मुस्कुरा कर। सब्जी बनाते हो तो क्या कढ़ाई लेके सारा आलू वालू मसाला वसाला ऐसे डाल देते हो या तरीका से? तो इसीलिए मैं कह दूंगा फरिश्ता बन जाओ उड़ के चला गया ऐसे नहीं हो सकता है, थोड़ा तरीका आपकी ब्रेन जो पावरफुल बन जाएगा। तो पावरफुल बनाने की अभी तरीका चल रहा है क्योंकि हमारे अंतर मन इतनी शक्तिशाली इतनी
पावरफुल है, जो सती को 24 घंटा काम करता था वो भी नहीं कर पा रहा है। जो बाबा मुरली में कहते हैं मन अभी कलाहीन शक्तिहीन हो गया है, आत्मा ना मात्र शक्ति रह गई है। कहा है बाबा, ढूंढो ढूंढो कहा। अरे चित्र देख लो, जब भी ब्रह्मा वाला चित्र देखो इतना भी याद आएगा, वाह बाबा नहीं इस लाइन हाथ क्यों नहीं उठा रहे। बोलो बाबा